ना ये जो पूरा बताशा यहाँ पे जो गिरा हुआ है ना, ये पूरा बताशा सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए 4 से 5 मिनट लगा है। नमस्कार, अन्य भिडिओ लोगों स्वागत जानसो। आज भिडिओ आपको विचारिश जो बताशा जी पूजा व्यवहित एविध सामग्री सभी बना के मेसिन थ्रुएद बनाब पे आगे बहुत कष्ट मानु हाते बनाय इतना मेसिन और हे मेसिन लैने व्यवसाय बनाब पारि और कि धरण इनग्रीडियंट लगे बनबले गोटेखी विषय गम पा बोलो भिडिओ आरम्भ करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंकी, मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया जो 2024 में सबसे पॉपुलर और सबसे फायदेमंद बिजनेस आइडिया है। और ये बिजनेस आइडिया बेसिकली असम के लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि घर में बैठ के मैं कोई बिजनेस शुरू करूं तो कौन सा बिजनेस शुरू करूं। तो आज जो मैं जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रही हूं वो है बताशा बनाने का जो बिजनेस है, मैं उसके बारे में बताने जा रही हूं। तो आइए हम अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं कि बताशा बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो इसको बोलते हैं चाशनी। बेसिकली बताशा बनाने के लिए 3 प्रोडक्ट लगता है। एक होता है S30 चीनी लगता है, उसमें हाइड्रो लगता है और साइट्रिक लगता है। तो ये जो साइट्रिक उन्होंने डाला है, 12 किलो चाशनी ये जो उन्होंने बनाया है, इस 12 किलो चाशनी में उनको परिमाण के हिसाब से उनको 12 चम्मच उन्होंने चाशनी मतलब जो साइट्रिक है वो डाला है, सो दैट ये जो बताशा वो जो बनेगा उसमें टेम्पर रहेगा। एक एक बताशा 30 डेज तक वो टिकता रहता है। तो यही जो प्रोसेस है हम आपको पूरा लाइव दिखाएंगे कि बताशा कैसे हम बनाते हैं। ये मशीन जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं बताशा बनाने का मशीन। ये पूरा मशीन तैयार होता है कर्मकार मशीनरीज में, जिसका एड्रेस है बैंडेल कोलकाता। ये मशीन जो है, ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं टैंक। ये टैंक 10 साल की गारंटी मिलती है इस टैंक में। और ये जो आप पूरा लंबा जो पोर्शन देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं बेल्ट। इस बेल्ट की हम लोग देते हैं 10 साल की गारंटी। और ये पूरा मशीन सेटअप करने के लिए जगह लगती है 20 फुट बाई 4 फुट का जो जगह है वो लगता है। और आसपास में जो इंग्रेडिएंट्स रखने के लिए आपको जितना स्पेस चाहिए उतना एक्स्ट्रा स्पेस आपको देना पड़ता है। तो ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं, ये मशीन चलता है जो घर का इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आप ये मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। और महीने के 400 से 500 रुपए से ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी। और यहाँ पे आप हमारे कस्टमर्स को दिखाइए, 4 स्विच बोर्ड में 4 स्विच यहाँ पे है। 4 स्विच का 4 तरह का काम है। बहुत ही इजी है ये मशीन ऑपरेट करना। पहला स्विच आप देख पा रहे हैं फैटर। जब आप इसमें मशीन में आप चाशनी को डालेंगे उसको फाटने के लिए जो स्विच जरूरत होती है उसको फैटर बोलते हैं। बेल्ट को चालू करने के लिए, जिस बेल्ट को चालू करने से एक एक बताशा उसमें निकल के आएगा और वो बेल्ट के थ्रू जाके बाहर गिरेगा, तो उसके लिए बेल्ट का जो स्विच है उसका हम ऑन करते हैं। उसके बाद है ड्रॉपिंग, जिसमें ये जो आपको वहां पे दिखाएंगे हम लोग आगे जाके जिसके 14 वहां पे होल है जहां से बताशा निकल के आती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 14 होल है। ये 14 होल से आपको एक एक लाइन में 14 बताशा आपको एक साथ में मिलेंगे। ऐसे ही आप हर घंटे मिनिमम 100 किलो से 150 किलो तक आप बताशा तैयार कर सकते हैं, और जो कि पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ इसी मशीन के थ्रू। तो आप सोच सकते हैं कि एक घंटे में अगर आप 100 किलो बताशा रेडी करते हैं, अगर आप बताशा 10 से 12 रुपए की अगर फायदे में अगर बेच पाते हैं तो फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि आप अगर 10 घंटा भी काम करेंगे एक दिन का 10,000 रुपए आप मिनिमम आप रोजगार कर सकते हैं या फिर इनकम कर सकते हैं। तो महीने का आप देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक इनकम करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहला रेसिपी है हम लोग जो पाक बनाते हैं, ये जो चाशनी हम बनाते हैं, ये चाशनी ऑलरेडी रेडी हो चुका है। हमारे जो टेक्नीशियन है इसको मशीन के वो जो टैंक मैंने आपको वो जो दिखाया उस टैंक में ये चाशनी डालेंगे, ये जो पाक है इसको डालेंगे और उसके बाद इसको फेटा जाएगा। फेटने के बाद ही हमारा जो हम लोग जिस चीज के लिए वेट कर रहे हैं, हम लोग जो बताशा के लिए वेट कर रहे हैं वो बताशा आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हैं बताशा और ये चाशनी ही पूरा डिपेंड करता है, मतलब इस चाशनी ये चाशनी ही आपका बताशा के रूप में निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ इसी मशीन के थ्रू।
ये हमारे टेक्नीशियन ने ऑलरेडी टैंक में इसको डाल दिया है। अब इसमें तेल डाल रहे हैं, ये रेडी का तेल है। इसमें बताशा में शाइन आता है और बताशा की क्वालिटी हाई क्वालिटी होती है। तो ये तेल उन्होंने डाला है, हम आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पूरा का पूरा लाइव प्रोसेस देख के आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि हम लोग पूरा जो प्रोसेस है ये आपको सामने से दिखा रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई फेकनेस नहीं है। आप इजीली इस प्रोसेस को देखिए, हमारे साथ आके आप पूरा लाइव प्रोसेस सामने से देख के जाइए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आप बिजनेस शुरू करेंगे तो कितनी जल्दी आप बिजनेस शुरू करेंगे। और जितने जल्दी आप बिजनेस शुरू करेंगे उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस आप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए से 2,20,000 का एक मशीन खरीद रहे हैं। स्पेस आपके आपके घर में ही मिल जाएगा और ये पैसा आप 2.5 से 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा पैसा उठा सकते हैं। तो ये लाइव प्रोसेस देखिए, ये फेंटा जा रहा है, ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, इसका फेंटा जा रहा है। इसके बाद ही कुछ टाइम के बाद ही आप देख पाएंगे सारी सारी जो बताशा है वो निकल के आ रहे हैं, वो आप देख पाएंगे। ये बताशा निकल के आ रहे हैं, मैंने आपको कहा था एक एक लाइन में आपको 14 करके बताशा मिलेंगे। आप एक एक बताशा का साइज देख सकते हैं, टेम्पर देख सकते हैं कि एक एक बताशा आपको एक महीने तक एक बताशा टिका हुआ रहता है। आप साइज देख सकते हैं, एक एक बताशा देखिए, एक एक बताशे गिर रहे हैं और वो सूख जा रहे हैं। देखिए एक एक बताशे वहां से निकल के आते आते ही पूरा बताशा सूख गया है। इसका साइज देखिए, एक एक बताशा रसगुल्ला के साइज का है। ये जो पूरा बताशा यहाँ पे जो गिरा हुआ है, ये पूरा बताशा सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए 4 से 5 मिनट लगा है। ये पूरा मशीन में आपको 15 से 20 केजी का बताशा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिर्फ 4 मिनट में निकला है। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप 1 घंटा अगर आप काम करेंगे मिनिमम 100 केजी बताशा आपको मिलेगा। और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, 1 घंटे में अगर आप 1,000 रुपए इनकम कर सकते हैं तो महीने में आप लाखों कमाएंगे, लाखों। तो और वेट मत कीजिए, आज ही आइए स्क्रीन के नंबर पर कॉल कीजिए, बाकी का इन्फॉर्मेशन हमारे प्रतिनिधि आपको दे देंगे। तो आज हम हमारे कस्टमर से आपको मिलवाते हैं, जो असम के ही कस्टमर है, उन्होंने ये मशीन ली है और यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम राज बिहारी। आपका घर? बरपेटा है। बरपेटा में है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाया, हमने लाइव कस्टमर से आपको मिलवाई जो ऑलरेडी हमारे यहाँ से मशीन लेके काम कर रहे हैं और वो महीने के लाखों कमा रहे हैं। तो आप भी वेट मत कीजिए, जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। তো এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখালো কেনেকৈ বাতাচা বনাব পাৰি আৰু বাতাচা বনাবলৈ কি ধৰণৰ বস্তু লাগে আপোনালোকে গম পালে। চেনিয়ে দি বনাব পাৰি বাতাচা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট থাকে। আপোনালোকে ডিটেইলছ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগৰ যি নাম্বাৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীণত তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কৰ্মকাৰ মেচিনাৰীৰ লগত। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে মেচিন বিচাৰে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা মেচিন লৈও আনি বাতাচা বনোৱাৰ ইয়াত ফেক্টৰী আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। বাতাচা হ'ল এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ আছিলে, বাতাচা বনোৱাৰ আগত যি প্ৰচেছ আছিলে খুব কষ্ট আছিলে। যিসকলে বনাইছিলে তেওঁলোকে জানে যে হাতেৰে বহুত কষ্ট কৰি গৰম এখন হাতেৰে ধৰি লৈ বস্তুখিনি বনাবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া কিন্তু কমপ্লিট হৈ গ'ল মেচিনাৰী আৰু খুব ধুনীয়া এখন মাৰ্কেট। 1 কেজি বাতাচা বিক্ৰী কৰিলে 12 টকাৰ পৰা 15 টকা তেওঁলোকৰ প্ৰফিট থাকে। ব্যৱসায় কৰিবলৈ যাতে আপোনালোকে চাই ল'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ এৰিয়াত এই ব্যৱসায়টো চলে নচলে। মই এটা ৱে দেখাইছোঁ য'ত আপোনালোকে যদি বিচাৰে মেচিনাৰী লৈ আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব। দৰকাৰ হ'লে যোগাযোগ কৰিব ল'ব কৰ্মকাৰ মেচিনাৰী। ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।